प्राप्त करने का रोज प्रयास करें। भले ही न जाए लेकिन हम दोष को दोष कहें, गुनाहगार को गुनहगार ही कहें, ताकि वो बढ़े नहीं। और जहां कहीं पर भी प्रभु की चर्चा मिल जाए तो कथायाम निश्चलामति, 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा 1 घंटा जितना भी आप कर सको श्रवण उतना कर लो, तो उसी में आपकी बीमारी की दवा आ जाएगी। आधे घंटे का समय है तो उसी में आपकी बीमारी की दवा आ जाएगी। 10 मिनट का टाइम होगा तो उसी में आपको अपना जवाब मिल जाएगा। जिसके मन में जितने भी प्रश्न हो, यदि आप 108 प्रश्न लिख लो, जितने भी प्रश्न है उसको लिख लो, और उसके बाद भागवत में आप बैठो, 7 दिन में आपके प्रश्न का जवाब न आ जाए तो शायद आपने सुनी नहीं है या फिर वक्ता का अनुभव नहीं है। जिसका जवाब मिलता जाए टिक करते जाओ, जवाब मिलता जाए टिक करते जाओ, जिसका मिले टिक करते जाओ। एक भी छूट गया तो वक्ता गलत है या फिर आपने कान नहीं लगाया। यदि आपने कान हटाया ही नहीं है और वक्ता गलत नहीं है, वक्ता गुरुमुखी है, तो टिक करते जाओ करते जाओ करते जाओ, एक भी नहीं बचेगा। ये वक्ता की खूबी नहीं है, भागवत की है। विश्वासो गुरु वाक्येषु, विश्वासो गुरु वाक्येषु, स्वस्मिन् दीनत्वभावना, स्वस्मिन् दीनत्वभावना, मनो छल रहित बुद्धि से महापुरुषों को सुने, छल पूर्वक उसको कहते हैं कि हम ये जानने के लिए बैठे कि चलो जाके सुने, कितना मालूम है, कितना आता है कितना नहीं आता है। परीक्षा की दृष्टि से हम सुने तो ये सब छल हो जाता है। विश्वासो गुरु वाक्येषु, केवल एक श्लोक काफी है। अगर यह एक श्लोक वाली बात आपके जीवन में नहीं आई तो विद्वान होकर भी परमात्मा का अनुभव नहीं कर पाओगे। और ये एक श्लोक आ गया तो अनपढ़ होकर भी दुनिया की चीज आपको मिले न मिले लेकिन कृष्ण की प्राप्ति जरूर हो जाएगी। अगर ये एक श्लोक आ गया, अगर एक श्लोक जीवन में आए, ईश्वरीय अनुभूति का आधार है यह श्लोक। सूत जी ने कहा, भगवान के 24 अवतार का दर्शन मैंने नहीं किया लेकिन मेरे गुरु की वाणी पर मुझे विश्वास है। भगवान के होने में मुझे कोई संदेह नहीं और भगवान के कृपालु होने में मुझे कोई संदेह। ईश्वर को कृपालु समझो और ईश्वर की कृपा पर शक न करो। भगवान केवल कृपा ही करते हैं, कृपा के अलावा ईश्वर कुछ भी नहीं करते, कृपा ही करते हैं। प्रत्येक परिस्थिति में भगवान की कृपा पर हमें संदेह नहीं। कोई भी परिस्थिति आ जाए, दुख में भी भगवान की कृपा पर संदेह न करो तो भगवान की अति करुणा के अधिकारी बन जाएंगे। भगवान की अनहद कृपा का अनुभव ऐसे लोगों को होता है जो दुख में भी ईश्वर की कृपा पर संदेह न करे कि वो कृपा
कृपा और कृपा ही करता है। ये विश्वास ईश्वर की अति कृपा का अधिकार देता है। सूत जी बताते हैं कि भगवान के अवतार की कथा मुझे अपने गुरुदेव के श्रीमुख से मिली है। ये सुनकर सौनकादि ऋषि इतने प्रसन्न हो गए और कहने लगे कि सूत जी पहले आप हमको ये बताइए, व्यास जी महाराज ने भागवत की रचना की उस वक्त उनकी मनोदशा क्या थी, हेतु क्या था? तो सूत जी ने बताया कि व्यास जी महाराज पराशर जी के पुत्र हैं। द्वापरे समनु प्राप्ते तृतीय युग पर्यये द्वापर युग में तीसरे युग में व्यास जी महाराज प्रकट हुए। जब तीसरा युग द्वापर समाप्त होने वाला था वहीं से व्यास जी महाराज के मन में एक चिंता शुरू हो गई कि जब कलयुग होगा, कलयुग आएगा, लोगों की क्या दशा होगी, क्या मनोदशा होगी? कलयुग के प्रभाव से जो बचना चाहे उसको बचाने का तो उपाय होना चाहिए। व्यास जी भगवान का कला अवतार है, व्यास जी में कला बहुत है, इसलिए बताया कि व्यास जी का आश्रम सरस्वती नदी के तट पर है। सरस्वती के तट पर इसलिए बताया कि सरस्वती अनुकूल है। व्यास जी के पास शब्द है, संगीत है, गायन है, लेखन है। सरस्वती की कृपा से मनुष्य को जो कुछ प्राप्त होता है वो सब व्यास जी महाराज को बचपन से ही प्राप्त है। इसलिए बताया कि व्यास जी का आश्रम सरस्वती के तट पर है। लेकिन पराशर जी के पुत्र होने के कारण पराशर जी ने व्यास जी का प्रागट्य ही लोक मंगल के लिए किया था। पराशर जी ने यही समझ कर व्यास जी को दुनिया में लाने का प्रयास किया था, जगत का उद्धार हो। पराशर जी के मन में यह कोई इच्छा नहीं थी कि मुझे पुत्र हो, एक ही कामना थी कि जगत को कोई उद्धारक प्राप्त हो। और इसलिए पराशर जी ने मत्स्यगंधा के द्वारा व्यास को प्रकट किया। अब जो कथा है जिस प्रकार से व्यास जी प्रकट हुए मत्स्यगंधा, जो मछुआरे की कन्या थी, वास्तव में मछली रजोगुण का प्रतीक है। मछली रजोगुण है। व्यास जी ने मत्स्यगंधा को अपनाया और उसके द्वारा उत्पन्न किया व्यास को। इसका मतलब है कि पराशर जी के मन में नाम मात्र वासना नहीं थी,
नाम मात्र रजोगुण नहीं था, लेकिन जगत को एक उद्धारक महापुरुष देने के लिए पराशर जी ने रजोगुण को अपनाया। मत्स्य गंधा अपनाई, इसका तात्विक भाव है रजोगुण अपनाया। मछली रजोगुण का प्रतीक है, राजसी वस्तु है। जिस संत में रजोगुण था ही नहीं, वासना थी नहीं, लेकिन पराशर जी ने सोचा यदि मैं रजोगुणी नहीं बनता हूं, मुझ में अगर कोई वासना प्रकट नहीं होती है, मेरे मन में पुत्रीषणा प्रकट नहीं होती है, तो जगत को एक उद्धारक पात्र कैसे मिलेगा। और दुनिया को व्यास देने के लिए पराशर जी ने प्रयत्न पूर्वक अपने मन में रजोगुण को प्रकट किया। कई बार संत महापुरुष जगत कल्याण के लिए अपने स्वभाव के विमुख काम करते हैं। जिस कार्य का उनका अपना स्वभाव ही नहीं है, लेकिन अपने स्वभाव से विमुख काम को भी पसंद करते हैं। और इस प्रकार व्यास प्रकट हुए। व्यास भगवान का कला अवतार है। द्वापर समरो प्राप्ते तृतीय युग पर्याये, तृतीय युग पर्याये, तृतीय युग पर्याये, तृतीय युग पर्याये। पराशर मुझोगी वास व्यास कल्याण रे, वास व्यास कल्याण रे, व्यास व्यास कल्याण। तीसरा युग है द्वापर। कलयुग शुरू होने के पहले व्यास जी ने सोचा मैं अपनी सरस्वती के द्वारा, अपनी वाणी के द्वारा, अपने गायन के द्वारा, अपने लेखन के द्वारा संसार को मैं कुछ ऐसा प्रदान करूं जिससे लोग कली के प्रभाव से बचे। ये ठीक ऐसी बात है जिसे बारिश के पहले मालूम होता है कि बारिश होने के बाद ऐसे ऐसे रोग शुरू हो जाएंगे, तो इसकी दवाइयां दुकान वाले पहले से ही रख लेते हैं, क्योंकि उनको पता है कि 2 महीने के बाद ये बीमारी आएगी, 1 महीने के बाद ये बीमारियां शुरू हो जाएगी, उसकी दवाइयां वो रख लेते हैं। इस देश के महापुरुष भी कलयुग शुरू होने के पहले कलयुग से बचने का उपाय दुनिया को प्रदान कर देते हैं। जो बचना चाहे वो जरूर बच सकते हैं। इस पर व्यास जी ने विचार किया है। व्यास जी ने वेदों का 4 विभाग किया। पहले वेद एक था, व्यास जी को लगा कि ये कठिन होगा लोगों के लिए, उन्होंने 4 बना दिए, सरल कर दिए। जब उनको लगा कि अब लोग शायद वेद भी सब लोग नहीं समझ पाएंगे, तो उन्होंने उपनिषद रखे, पुराणों की रचना की, महाभारत जैसा ग्रंथ बनाया। लेकिन उसके बाद भी व्यास जी के हृदय में कलयुग के जीवों के प्रति इतनी दया है, शायद सब लोग पुराण भी नहीं समझ पाएंगे, तो कली के प्रभाव से कैसे बचेंगे, क्योंकि कलयुग में
संसार की चमक बहुत होती है और मानव का मन अतिशय कमजोर होता है। अब कमजोर मन संसार की चमक देखकर बीमार पड़ ही जाएगा। इसको कैसे सुरक्षित रखें? 17 पुराणों की रचना हो चुकी थी, महाभारत की भी रचना हो गई थी, उसके बाद भी व्यास जी को लगता है और कोई उपाय कर दो, अभी और कोई उपाय दे दो, जो बचना चाहे कलयुग से बचे। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, समझ में नहीं आ रहा था। तो व्यास जी उदास थे, ऐसे उदास व्यास जी के पास श्री नारद जी पहुंच गए। व्यास जी के मन में जो चिंता थी वो लोक कल्याण की थी, और आज भी लोक कल्याण की चिंता होगी तो अस्तित्व मदद करेगा। अपने घर की चिंता करो तो अस्तित्व इसमें मदद नहीं करता, आपको भाग्य पर छोड़ दे। लेकिन जिसको दुनिया की चिंता है, अस्तित्व उसकी मदद करता है। व्यास जी के पास नारद जी पहुंचे और व्यास जी को पूछा कि व्यास जी आप कैसे हो, सब ठीक तो है? आपका मन स्वस्थ है, आपका विचार स्वस्थ है, आपका शरीर स्वस्थ है? व्यास जी समझ गए कि जो संत मुझे सीधे सीधे सवाल कर रहा है कि व्यास जी आपका मन स्वस्थ है, इसका मतलब इनको मेरा मन दिखता है। गुरु को तन नहीं दिखता, गुरु को थन नहीं दिखता, गुरु दिखता। श्री गुरु चरण सरोज रजे, निज मन मुकुर सुधारी। गुरु को मन ही दिखता है। हमारे तन से, हमारे धन से उनको कोई मतलब नहीं, हमारे मन से उनका मतलब है। तो नारद जी ने पूछा व्यास जी से, आपका मन कैसा है, आपका विचार कैसा है, आपकी बुद्धि कैसी है, स्वस्थ तो है? ये सुनकर व्यास जी को लगा कि जब इनको मेरा मन दिखता है, मैं क्यों पर्दा करूं? गुरु के द्वारा भी हमारा कल्याण नहीं होगा यदि हम कपट करें, हम पर्दा रखें कि नहीं हमारा मन तो बस भगवान में ही रहता है, हमारी बुद्धि तो भगवान के चिंतन में रहती है। अब लोग थोड़ा करते हैं तो भी ज्यादा बताते हैं कि हम तो इतने हनुमान चालीसा कर लेते हैं, हम इतना भजन करते हैं, हम तो इतने खंडैया कर लेते हैं। व्यास जी से ये सीखना चाहिए कि कोई समर्थ गुरु मिल जाए, अपने आप को हमें कैसे समर्पित करना चाहिए। तो व्यास जी ने जिनके हजारों शिष्य है वो है व्यास, पूरी दुनिया में जिनकी ख्याति है वो है व्यास, संसार के करोड़ों लोग जिनके चरणों में नतमस्तक वो है व्यास। लेकिन इतने विश्व प्रसिद्ध व्यास ने भी अपने गुरु के चरण में तो अपनी बात स्पष्ट कर दी कि पूरी दुनिया मुझे मानती है, पूरी दुनिया के लोग मेरे चरण में दंडवत करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है मेरे अपने जीवन में कुछ तो अधूरा है, कुछ तो समझ नहीं आ रहा मुझे कि क्या अधूरा है। लेकिन लोक मंगल के लिए मैं आया हूं, लोक मंगल के लिए मैंने अभी उतना नहीं किया जितना मुझे करना चाहिए। मेरी आयु बढ़ती जा रही है, कल शरीर समाप्त हो जाएगा, कहीं ऐसा ना हो जाए कि जिसके लिए मैं आया हूं वही छूट जाए।
तब नारद जी ने बताया कि व्यास जी, अभी तक जगत के लिए आपने जो किया वो भी बहुत है, कम तो नहीं है लेकिन पर्याप्त भी नहीं है। किसी भी गुरु की ये भाषा है, वो अपने शिष्यों को कहेंगे आप जितना धर्म कर रहे हैं बहुत है, जितना सत्कार्य कर रहे हैं बहुत अच्छा है। इस प्रकार उसको प्रोत्साहित करके फिर धीरे से कह देंगे कि अभी भी बहुत कुछ बाकी है। व्यास जी, 17 पुराणों की रचना की, महाभारत बना दिया आपने, वेदों के 4 विभाग किए, सब कुछ आपने जगत के लिए किया है, कम तो नहीं है। हाँ, लेकिन पर्याप्त भी नहीं है। बस इतना ही बाकी है व्यास जी, अभी तक आपने दुनिया के सामने जो बातें रखी वो विद्वता पूर्वक रखी है, बुद्धि पूर्वक रखी है। आप अपनी विद्वता की शक्ति से लोगों के साथ बात कर रहे हैं, लेकिन एक बार दुनिया के सामने अध्यात्म की शक्ति को लेकर के जाओ, भक्ति की शक्ति को लेकर के जाओ, लोग हृदय में प्रभु प्रेम जगाओ, कैसे भी करके। अभी तक जितने पुराण आपने रखे उसमें ये बताया कि ईश्वर अद्भुत है, परमात्मा सर्वशक्तिमान है, परमात्मा कण कण में है, ईश्वर जो चाहे कर सकता है, ये सारी बातें आपने दुनिया के सामने रखी। लेकिन अभी तक भगवान के स्वभाव का परिचय दुनिया को नहीं दिया आपने कि वो उदार है, वो क्षमावान है, वो दयालु है, हमारे अपराध को वो भूल जाता है, वो कृपा सागर है, हम उनको न बजे तो भी वो हमको बजता है, हम उसको भूले तो भी वो हमको नहीं भूलता। ईश्वर के इन गुणों का परिचय ही लोक हृदय में भक्ति जगा सकता है। हम एक बार भी भोग न लगावे तो भी वो हमको 3-3, 4-4 बार भोग लगाता है। कुछ लोगों को रात में 2 बजे भी भोग लगता है, 2 बजे भी डिब्बा खोलता है, भगवान उसको भी देता है जो एक बार भी भोग नहीं लगाता। जो भगवान का श्रृंगार नहीं करता, ईश्वर उसका भी श्रृंगार करता है। उसको कपड़े मिल जाते हैं, आभूषण मिल जाते हैं, क्या नहीं। ईश्वर की भव्यता दिव्यता अलग बात है व्यास जी, ईश्वर की उदारता, ईश्वर की क्षमाशीलता, भगवान की करुणा, भगवान की दया, भगवान की भगवत्ता, भगवान की दीन बंधुता, भगवान की शरणागत वत्सलता, इसका परिचय जिसको भी मिलेगा वो भगवान का हो जाएगा। भगवान के स्वभाव का परिचय आपने जगत को नहीं दिया तब तक लोक हृदय में भक्ति नहीं आएगी। संसार के लोग ईश्वर को अपना माने, ऐसा करो, जो अपना मानेगा वो भजन जरूर करेगा। कोई भी चीज अपनी लगेगी ना वो प्रिय लगेगी। दुनिया के किसी भी माता पिता से पूछो ये दुनिया का सबसे सुंदर बालक कौन है, तो वो अपना ही दिखाएंगे कि इसके जैसा सुंदर नहीं है। फिर चाहे उसके रंग में कोई दम ना हो, उसके आकार में कोई दम ना हो, कुछ भी अच्छा ना हो उस बच्चे में, लेकिन उसकी माँ से पूछो कि दुनिया का सुंदर से सुंदर बच्चा
तो वो अपना ही दिखाएगी कि बस ये इससे सुंदर कोई नहीं, यही सबसे सुंदर है। द्वापरे समनु प्राप्ते तृतीय युग पर्यय जात है पराशर उद्योगी वासव्या कलया पराशर्य महाभाग भवतः कच्चिदात्मना परितुष्यति शारी आत्मा मानस आत्मा मानसे एवा श्री नारद जी के इन शब्दों से ही व्यास जी समझ गई है मेरे गुरु को मेरी आंतरिक अवस्था दिख रही है और इसीलिए ये पूछ रहे कि आप मन से ठीक है क्या, मैं क्यों छुपाऊं? बता दिया, दुनिया मुझे मानती है, दुनिया की दृष्टि में मैं पहुंचा हुआ हूं, लेकिन मैं स्वयं जानता हूं कि कुछ तो अधूरा है, मेरे भीतर कुछ तो अधूरा है। और जब तक इसकी पूर्ति नहीं हो जाएगी, दुनिया मुझे पहुंचा हुआ माने इससे मेरा लाभ नहीं है, मैं पहुंचा हुआ हो जाऊं ये मेरा लाभ है, मैं पहुंच जाऊं ये मेरा लाभ है। दुनिया मुझे माने के पहुंचे हुए महापुरुष है, ये तो धोखा है, लेकिन पहुंचना ये मेरा कल्याण है, इससे मेरा लाभ है। अब देखिए दुनिया में भटकने वाले करोड़ों हैं, पहुंचने वाला कोई कोई होता है, जो पहुंच गए वो कोई कोई होते हैं, भटकने वाले बहुत होते हैं। हाँ, लेकिन भटकने वाले को जब ये दुनिया पहुंचा हुआ समझ ले तो वो भी भटकता है और उसके साथ साथ पूरी दुनिया भी भटकती है, क्योंकि वो खुद भटकता है और भटकाता है दुनिया को। जब जगत ने भटकते हुए को पहुंचा हुआ समझ लिया तो समाज को भुगतना पड़ेगा। इसीलिए जरूरत यह है कि संत को मानो, लेकिन भागवत समझ करके संत को मानो, ताकि कम से कम समाज के पास भी ये दृष्टि परख की हो जाए कि पहुंचा हुआ। ये शास्त्र बताता है, तितिक्षव कारुणी का सुरत सर्वदेहिनाम अजात सत्र वह शांता साधु वह साधु भूषण, ये सारे सूत्र है कौन है पहुंचा हुआ। भागवत का चश्मा पहन कर जगत को देखो तो मालूम पड़ जाए। व्यास जी ने तो अपनी बात थी वो स्पष्ट कर दी, दुनिया की दृष्टि में मैं पहुंचा हुआ हूं, मैं जानता हूं, मैं भटका हुआ तो नहीं हूं लेकिन अटका हुआ तो हूं, भटके हुए नहीं है व्यास जी बिल्कुल, मैं भटका हुआ नहीं हूं लेकिन मैं कहीं ना कहीं अटका, वहां से मुझे आगे बढ़ना है, लोक मंगल के लिए मैं क्या करूं। नारद जी ने कहा कि भक्ति की शक्ति
से दुनिया को जगाओ, अन्यथा क्या होगा। देखो विद्वता पूर्वक लोक कल्याण के लिए निकलोगे ना तो क्या होगा कि दुनिया का एक कोने में सुधार करो, फिर दूसरे कोने में जाओ तब तक ये बिगड़ जाएगा, तीसरे कोने में सुधारने जाओ तो ये वाला बिगड़ जाएगा। और व्यास जी की तीव्र इच्छा है कि जैसा आनंद मुझे मिलता है वैसा पूरे विश्व को मिले। देखो प्रत्येक सच्चे संत की यही शुभकामना होती है कि जो आनंद मुझे मिलता है वो प्रत्येक जीव को मिले, जिस शांति का अनुभव मैं कर रहा हूं ऐसी शांति का अनुभव दुनिया का प्रत्येक जीवात्मा करे। ये स्वर्ग सम संसार हो, ये स्वर्ग सम संसार हो, जिस शांति का अनुभव मुझे होता है बस वही शांति जगत के प्रत्येक मनुष्य को मिले। एक इस प्रकार के एक विश्व का दर्शन व्यास से करना चाहते हैं। एक कोना सुधारो दूसरा बिगड़ जाए, फिर दूसरा सुधारो तो पहले वाला बिगड़ जाए, यही होगा। लेकिन पूरे विश्व को अगर आनंद देना है, पूरे विश्व को एक जैसा भौतिकता नहीं दे सकते, पूरे विश्व को एक जैसी विचारधारा दे सकते, पूरे विश्व को एक जैसा पैसा नहीं दे सकते लेकिन पूरे विश्व को एक जैसा अंतःकरण जरूर दे सकते हैं। और वही तो हमारे सुख का आधार है, बाहरी चीजें हमारे सुख का आधार नहीं है, अंतःकरण हमारे सुख का आधार है और ये संभव है। अध्यात्म की शक्ति को लेकर दुनिया के बीच में जाओ व्यासी, और जगत को परमात्मा की विशालता भव्यता का नहीं भगवान की भक्त वत्सलता का परिचय कराओ। आपने ये बताया भगवान अद्भुत है अद्भुत है अद्भुत है, लेकिन अब साथ साथ ये भी जोड़ो कि ऐसा अद्भुत ऐसा अद्भुत ऐसा अद्भुत ईश्वर, लेकिन किसी ने प्रेम से पुकारा तो उसके आंगन में एक कटोरी माखन के लिए नाच करने को भी तैयार हुआ। यहां तक ले जाना है इस भाव को, तब उस अदृश्य सत्ता को लोग चाहेंगे। नारद जी ने अपने पूर्व जन्म का वृतांत भी बताया और उनकी विदाई के बाद व्यास जी स्वयं सरस्वती के तट पर अपने मन को परमात्मा के दिव्य गुणों से भगवान की भक्त वत्सलता से प्रभावित करने के लिए बैठ गए हैं। ब्रह्मन ज्ञान सरस्वत्यां आश्रम पश्चिमे तटे, आश्रम पश्चिमे तटे शम्या प्रातैति प्रोक्तम ऋषिणां सत्रवर्धन ब्रह्मनद्यां सरस्वत्यां आश्रम पश्चिमे तटे, आश्रम पश्चिमे